हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 करेंगे जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। पवन, तूफान और चक्रवात मेनली हवा के बारे में ही है सब कुछ ये। तो इस चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये पवन क्या चीज़ है। तो पवन हम कहते हैं गतिशील वायु को, जब हवा चल रही होती है उसे हम पवन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, गतिशील वायु पवन कहलाती है, चलती हुई हवा को हम पवन कहते हैं। और आपने बहुत सारे मौसम की जानकारी टीवी वगैरह में देखी होगी, अपने आसपास बहुत तेज़ तूफान जब आते हैं तो वो बहुत नुकसान भी करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में कि ये पवन क्या है, बहुत तेज़ चल रही है तो उसे हम तूफान कहते हैं, और चक्रवात एक अलग टाइप की पवन होती है जब ये गोल गोल घूमने लगती है। तो यही सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हमने देखना है कि वायु दाब डालती है, हवा के दबाव की वजह से ये सभी कुछ होता है। तो वायु दाब डालती है, ये हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए। उसमें सबसे पहले यहाँ पर ये एक टीन का डिब्बा लिया हुआ है, कोई भी आप जैसे जो कोल्ड ड्रिंक के होते हैं इस तरह के कैंस, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा पानी लें, उसको गर्म करें और उसका ढक्कन जो है टाइट बंद कर दें। उसके बाद उसको ठंडा करें, बिल्कुल ठंडा पानी उसमें डालें, बर्फ़ वाला पानी हो सकता है, तो आप देखेंगे कि वो इस तरह से शेप उसकी बिगड़ जाएगी, वो पिचक जाएगा। ये क्यों पिचक गया ठंडा करने से? हुआ क्या कि जब हमने इसको गर्म किया तो इसके अंदर जो पानी था वो गर्म होकर भाप बनना शुरू हुआ, उसका गर्म होकर फैल गया। और जब हमने इसको बंद कर दिया तो अंदर फैली हुई हवा थी, फैली हुई हवा जो है उसका दबाव कम होता है और बाहर जो है वो दबाव ज़्यादा है। जैसे ही हम इसको ठंडा करेंगे, अंदर जो है वो हवा जो भाप थी वो संघनित हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, अंदर उसका पानी बन जाएगा, तो अंदर हवा का दबाव कम हो जाएगा। जब अंदर हवा का दबाव कम हो गया लेकिन बाहर वायुमंडल से दबाव है चारों तरफ से, तो ये उसके दबाव की वजह से पिचक जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हवा जो है हमारे चारों तरफ ये दबाव डालती है, और काफ़ी ज़्यादा दबाव डालती है, इसने टीन के कैन को पिचका दिया। अगर इस तरह से आप नहीं कर पाए, टीन का डिब्बा ना हो आपके पास, तो आप प्लास्टिक की बोतल से भी इसको कर सकते हैं। उसमें आपको इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप गर्म पानी लो, प्लास्टिक की बोतल में डालो, उससे बोतल जो है थोड़ी गर्म हो जाएगी, उसके बाद उसको एकदम से खाली कर दो। तो बोतल में गर्म पानी डाला, उसके बाद उसको खाली कर दिया और तुरंत उसका ढक्कन बंद कर दो। अब बोतल जो है उसको आप नल के बहते पानी के नीचे रखो, तो आप देखेंगे कि वो बोतल एकदम से पिचक गई। तो वो क्यों पिचकी? क्योंकि उसके चारों तरफ जो हवा है उसने दबाव डाला। तो इसे हम कहते हैं कि हवा दबाव डालती है, हवा का दाब होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं हवा के दबाव के, आप पतंग उड़ाते हैं अगर, तो पीछे से जो हवा आ रही है उसकी वजह से आसानी होती है उसको उड़ाना। इसी तरह से नाव चला रहे हो तो नाव में अगर पीछे से हवा आ रही हो तो नाव चलाना आसान होता है, लेकिन हवा की उल्टी दिशा में चलाना हो तो मुश्किल होता है। तो ये हवा के दबाव की वजह से ही है। इसी तरह से साइकिल चलाते हुए भी यही होता है, अगर उल्टी दिशा से हवा आ रही हो तो साइकिल चलाना मुश्किल होता है। उसके बाद है टायर में हवा भरते हैं हम, तो आप जानते हैं टायर हो, गुब्बारा हो, जब हवा भरते हैं तो वो जो है फूल जाता है और कसा हुआ महसूस होता है। तो कसा हुआ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो हवा है वो दबाव डाल रही है। तो यही यहाँ पर है कि हवा दबाव डालती है। उसके बाद है पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। हवा जो है, वायु पवन, इसका दाब तो होता है लेकिन ये जो हवा की स्पीड है उसके हिसाब से होता है। अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो दाब कम हो जाता है। पवन का वेग, वेग है स्पीड, ये बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी उतना ही दाब कम होगा। कैसे इसको करके देख सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर एक ये एक्सपेरिमेंट दिया है। आप एक खाली बोतल लें, बोतल का मुंह पर जो है यहाँ पर एक ये कागज़ का टुकड़ा डाला है गोल करके, कागज़ की छोटी सी बॉल, और फिर इस पर फूंक मारें। कोशिश करें कि ये अंदर जाए, लेकिन आप देखेंगे कि आप जब फूंक मार रहे हैं तो ये अंदर नहीं जाती, उल्टा ये बाहर निकल आती है बॉल। तो ये कागज़ की छोटी सी जो बॉल डाली है आप इसको अंदर नहीं धकेल पाएंगे, आप फूंक जितना तेज़ मारेंगे उतना ये तेज़ी से बाहर आ जाएगी। तो ये बाहर यहाँ से क्यों आ रही है? इसका सीधा सा कारण है कि जब आप वायु का दबाव डालने की कोशिश करते हैं, फूंक मारते हैं, तो हवा जितना आप तेज़ यहाँ से मुँह से फूंक मारेंगे
हवा की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर दाब कम है, अंदर हवा की स्पीड कम है तो अंदर दाब ज़्यादा है, और कोई भी चीज़ ज़्यादा दाब से कम दाब की तरफ जाएगी। ज़्यादा प्रेशर है अंदर, ज़्यादा प्रेशर है बाहर, कम प्रेशर है। आपको लग रहा है आप फूंक तेज़ी से मार रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा डाल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा तेज़ स्पीड होगी हवा की उतना ही कम प्रेशर होगा, तो बाहर कम प्रेशर है अंदर ज़्यादा प्रेशर है, तो इसलिए अंदर से हवा जो है इसको बाहर की तरफ धकेल देती है। इसी का एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है, दो गुब्बारे आप इस तरह से लटका लें, कोई स्टिक लेकर, ये स्टिक लिए उसमें दो गुब्बारे लटका लिए धागे से बांधकर, फूले हुए गुब्बारे, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, इसके बीच में यहाँ से फूंक मारेंगे जब आप, तो क्या होगा कि आप देखेंगे ये गुब्बारे दोनों पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच से जब हवा जाती है तो यहाँ पर हवा की स्पीड ज़्यादा है, आसपास जो है हवा, यहाँ बाहर जो है ये हवा की स्पीड कम है, तो यहाँ बीच में जो है कम दबाव बन जाता है, प्रेशर कम हो गया, और बाहर जो है वो हवा का दबाव ज़्यादा है क्योंकि वहाँ स्पीड कम है, तो इस वजह से ये ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ आ जाते हैं, तो इस वजह से ये पास पास आ जाते हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि जब हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो दबाव कम हो जाता है। इसी का एक और एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, ये इसमें एक कागज़ की आप पतली पट्टी ले सकते हैं और उसको अपनी दो उंगलियों के बीच में पकड़कर अपने होंठों के नीचे रख के, सामने नहीं नीचे रख के, उसके ऊपर से अगर फूंक मारेंगे आप तो आप देखेंगे कि ये जो कागज़ की पट्टी थी ये नीचे लटकी हुई थी, ये ऊपर आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये ऊपर क्यों आई? क्योंकि इसके ऊपर से आपने फूंक मारी है तो ऊपर हवा का दबाव जो है वो कम हो गया और नीचे हवा का दबाव ज़्यादा है, तो ज़्यादा दबाव की वजह से नीचे से ये कम दबाव की तरफ ऊपर आ जाती है। तो सीधी सी बात है, हवा का दबाव ज़्यादा तब होगा जब पवन की स्पीड या वेग जो है वो कम होगा। जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही कम दबाव होगा, स्पीड कम होगी तो दबाव ज़्यादा होगा, उल्टा होगा, मतलब सीधी सी बात है। तो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हम ये समझ पाए हैं, यहाँ पर ये लिखा है पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब वास्तव में कम हो जाता है। इसी वजह से जब तूफान वगैरह आते हैं तो झोंपड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उनकी छत ऊपर से उड़ जाती है, आपने देखा होगा कई जगह बहुत तेज़ जब तूफान आते हैं तो घरों की जो छत है वो ऊपर से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि मान लो ये घर की छत है इस तरह से, तो ऊपर से जब ये हवा चल रही है तो ऊपर जो है तेज़ है हवा की स्पीड, और अंदर जो हवा है उस वो रुकी हुई है तो उसकी स्पीड कम है। ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ऊपर यहाँ पर दबाव कम है, प्रेशर कम है, और नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो छत को ऊपर उठा देते हैं, तो हवा जो है उसको छत को ऊपर उठा देती है और वो तूफान के साथ उड़ जाती है। तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। जब गर्म करते हैं तो हवा फैल जाती है, इसके लिए भी करके देख सकते हैं इस तरह से। इसमें यहाँ पर ये क्वथन नली का इस्तेमाल किया है। क्वथन नली का मतलब एक ट्यूब जैसी है जो एक साइड से बंद है और दूसरी साइड से खुली है। नीचे से ये बंद होती है ट्यूब, यहाँ नीचे से ये बंद है और ऊपर से खुली है, उसमें ऊपर की साइड ये गुब्बारा लगा दिए। तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर थोड़ी सी हवा है, और ये जो नीचे लिया हमने बीकर, इसमें पानी लिया है, यहाँ पर गर्म जल है, यहाँ पर ये ठंडा जल है। तो हो क्या रहा है, जब आप इसको गर्म जल में डालते हैं, यहाँ पर ये गर्म पानी का इस्तेमाल किया, गर्म पानी में डालते हैं इस ट्यूब को, तो ये गुब्बारा फूल जाता है थोड़ा सा, लेकिन जब ठंडे बर्फ वाले पानी में डालते हैं इसको तो ये गुब्बारा सिकुड़ जाता है। तो ये क्यों सिकुड़ गया और यहाँ पर क्यों फूल गया? क्योंकि ये जो ट्यूब थी इसके अंदर जो हवा है, यहाँ पर जब गर्म पानी में डाला तो ये हवा फैल गई, फैलने से ये गुब्बारा थोड़ा सा फूल गया, और जब इसको ठंडे पानी में डाला तो अंदर की हवा ठंडी होकर सिकुड़ गई, तो इस वजह से ये गुब्बारा भी सिकुड़ गया। तो इसका मतलब है कि जब हवा को गर्म करते हैं तो वो फैलती है। उसी का यहाँ पर ये भी उदाहरण है, फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, उसका यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट दिया है। आप इसमें क्या कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि स्टिक ली, उसको बीच से धागा बांधकर बैलेंस किया है, और उसमें दोनों साइड ये दो धागे से दो ये लिफाफे लटकाए हैं उल्टे करके, नीचे से ये खुले हैं यहाँ से। अब इसको जो है क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखा एक साइड से, तो अब क्या देख रहे हैं, पहले ये बैलेंस था, अब जब इस तरह से रखा है ऊपर से, हमने यहाँ से पकड़ के रखा है इसको,
तो आप देख रहे हैं कि ये वाला ऊपर उठ गया और इस साइड से ये नीचे हो झुक गया है। इसका मतलब ये वाला भारी हो गया और ये हल्का हो गया। ये हल्का क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से जब ये मोमबत्ती के ऊपर रखा है, मोमबत्ती के आसपास की हवा गर्म हो रही है, गर्म हो रही है तो वो ऊपर उठ रही है, फैल रही है, क्योंकि वो हल्की हो गई, फैलने से हल्की हो गई, तो इस वजह से वो ऊपर उठ रही है और आसपास की जो भारी वायु है वो नीचे आ रही है। तो ऊपर उठ रही है, इस वजह से ये इसको ऊपर उठा रही है और इस वजह से यहाँ पर ये हल्का हो गया और ये वाला भारी रह गया, ये यहाँ पर, क्योंकि ठंडी हवा है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से भी कि जब हवा गर्म करते हैं तो वो ऊपर उठती है और साथ में हल्की हो जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, इसी कारण धुआं ऊपर उठता है। उसके बाद यहाँ पर आ गया पवन धाराएं। हवा क्यों चलती है हमारे आसपास, हम हवा चलती हुई देखते हैं, महसूस होती है, तो वो हवा क्यों चलती है? वो इसी वजह से क्योंकि धरती जो है वो असमान रूप से गर्म होती है। ज़मीन अलग अलग जगह पर अलग अलग गर्म होती है, सब जगह एक समान तापमान नहीं होता, तो अलग अलग रूप से गर्म होगी तो उसके आसपास की हवा भी अलग अलग रूप से गर्म होगी। कहीं पर वो हवा गर्म होगी, कहीं पर ठंडी होगी, और जो हवा गर्म होगी वो ऊपर उठेगी और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आएगी। जैसे हम पिछले जो ऊष्मा वाला चैप्टर था उसमें भी हम कर चुके हैं, समुद्र समीर और स्थलीय समीर की जब हमने बात की थी, तो उसी वजह से ये पवन धाराएं बनती हैं। चलती हुई हवा जो है उसकी हम जब बात कर रहे हैं तो उसी वजह से ये धाराएं बनती हैं। तो वो असमान रूप से कहाँ कहाँ गर्म हो रही है, कैसे गर्म हो रही है, उसका यहाँ पर यह है कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। हमारी जो पृथ्वी है, गोल है, उसमें ये जो उत्तर और दक्षिण में ये ध्रुव हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें, मान लो इस तरफ सूर्य है हमारा, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं और बीच वाला हिस्सा जो होता है ये भूमध्य रेखा, इस पर साल भर सीधी पड़ती हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है भूमध्य रेखा वाला, यहाँ पर हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, इसलिए गर्मी रहती है। तो यहाँ पर ज़मीन गर्म है और ये जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर ज़मीन जो है वो उतनी गर्म नहीं हो पाती है, ठंडी रहती है। तो असमान रूप से गर्म हो रही है, इस वजह से ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर आसपास जो हवा है वो गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है और इसकी जगह लेने के लिए ठंडी जगह से ध्रुवों की तरफ से हवा आती है, तो इस वजह से ये पवन धाराएं बनती हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पर है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, जिसके हमने स्थलीय समीर और समुद्र समीर की बात की थी हमने चैप्टर 4 में, कि ज़मीन और पानी जो है वो अलग अलग रूप से गर्म होते हैं। ज़मीन जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं होता और साथ में जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो इस वजह से समुद्री समीर और थल समीर चलती हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ देखना है तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित ये बादल की जो गड़गड़ होती है, आवाज़ आती है और साथ में बिजली चमकती है, उसे हम तड़ित कहते हैं। और साथ में हमने देखना है चक्रवात। तो तड़ित झंझा जो है वो यही है कि बिजली चमक रही है और वो जो बिजली गिरती है कई बार वो ज़मीन पर भी गिरती है और उस वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, वो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है, कई बार इसी से चक्रवात बन जाता है। वो तूफान के रूप में जो बहुत तेज़ी से हवा चलती है वो चक्र के रूप में गोल गोल घूमने लगती है, उसे हम चक्रवात कहते हैं। नाम में चक्र आ रहा है वहीं से, वात मतलब हवा है और चक्र मतलब गोल गोल घूमना। ये चक्रवात की यहाँ पर संरचना भी दी है थोड़ी सी, इसमें बीच में आप देख रहे हैं नीचे जाती हुई हवा है ये ठंडी, और बाहर से ये गोल गोल घूमती हुई इस तरह से ये गर्म हवा है जो ऊपर की तरफ उठ रही है। यहाँ पर ये पवन की स्पीड दी है इसके अंदर, चक्रवात में बहुत तेज़ पवन वेग होता है, 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस वजह से इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ये यहाँ पर आ गया चक्रवातों से होने वाला विनाश। तो चक्रवात जो है वो जब इतनी तेज़ी से हवा चलेगी उस तो इस वजह से भवन जितने भी हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, इनको नुकसान पहुँचता है। पानी के ऊपर से आ रहा है तो इसमें बहुत तेज़ लहरें बनती हैं, जिस वजह से पानी के ऊपर जो समुद्री जहाज़ नाव वगैरह उनको नुकसान पहुँच सकता है। उसके बाद है यहाँ पर टॉर्नेडो। टॉर्नेडो यहाँ इंडिया में नहीं आते हैं ज़्यादा, लेकिन टॉर्नेडो क्या है, ये भी चक्रवात की तरह ही गोल गोल घूमने वाली हवा है, लेकिन ये बादल के रूप में होती है। तो गोल गोल घूमते हुए कीपदार बादल होते हैं ये,
इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। तो ये जमीन तक नीचे पहुंच जाते हैं कई बार, तो कीपदार बादल होते हैं, बादल गोल गोल घूम रहे होते हैं, नीचे की तरफ इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है और ये ज़मीन तक हो सकते हैं, और ये भी जहाँ जहाँ से होकर गुजरेगा वहाँ पर नुकसान करता हुआ जाता है। इसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, चक्रवात से भी ज़्यादा है, लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय हैं उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी है। तो ये सभी सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की जाती है वो दिया है कि मौसम की जानकारी पहले से दी जाती है, कहाँ पर चक्रवात आने वाला है, कहाँ पर तूफान आ सकता है, उसके लिए पहले से सूचना दी जाती है टीवी के माध्यम से, संचार के जितने साधन हैं उनके माध्यम से, ताकि लोगों को पहले ही आगाह किया जा सके और वो वहाँ से अपनी स्थान को छोड़कर कहीं और जा सकें ताकि नुकसान कम से कम हो। जनता क्या क्या काम करती है तो उसके लिए यहाँ पर है, हमें क्या क्या करना चाहिए कि मौसम विभाग की जानकारी जो दूरदर्शन टीवी पे रेडियो पे आ रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हम उनसे बच सकें। और घरेलू साज सामान, पालतू पशु, वाहन वगैरह, इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, पानी है कहीं बाढ़ आ गई है तो वहाँ पर सड़कों पर उसमें वाहन नहीं चलाने चाहिए। आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन, इनके फ़ोन नंबर अपने शायद याद रखने चाहिए, इनकी लिस्ट हमारे साथ होनी चाहिए ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम इनको कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ये दिया है, उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है, मौसम की जानकारी हमें टाइम से मिल रही है, आजकल टेक्नोलॉजी में इतना विकास हो गया है उस वजह से हम टाइम से पहले हमें पता लग जाता है कौन सा चक्रवात आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, तो वो उस वजह से हमें इससे बचने में ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, आपने क्या क्या सीखा उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा समझ आ जाएगा और क्वेश्चन के आंसर्स भी बहुत सारे यहीं से निकल आते हैं। तो इसको आपने अच्छे से समझ के फिर उसके बाद इसके अभ्यास जो है इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।